खबरों में आगे बात करते हैं बहराइच की, जहां पर ऑपरेशन भेड़िए को बड़ी सफलता मिली है। एक और भेड़िया पकड़ा गया है, जिसमें अब तक कुल मिलाकर बात करें तो 4 भेड़िए पकड़े गए हैं। पिंजरे में कैद हुआ आदमखोर भेड़िया, बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर वन विभाग की टीम लगातार ऑपरेशन भेड़िया चला रही है और यहां पर आदमखोर भेड़िया भी पकड़ा गया है। एक और भेड़िया गिरफ्त में आया है। आपको बता दें कि अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। महसी के सिसैया के कचरा में पकड़ा गया है ये भेड़िया, तो बड़ी खबर जहां पर अब तक की 4 भेड़िए पकड़े गए हैं। आपको बता दें कि यहां पर 35 गांव डर के साए में जी रहे हैं, पिंजरे में कैद हुआ है आदमखोर भेड़िया। तो एक और भेड़िया पकड़ा गया है बहराइच की, देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वन विभाग के हाथ एक और बड़ी सफलता लगी है। ऑपरेशन भेड़िया को मिली है एक और बड़ी सफलता, जहां पर अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है, एक और भेड़िया यहां पर गिरफ्त में आया है। तो कुल मिलाकर 4 भेड़ियों को पकड़ा गया है और यहां पर करीब 9 लोगों को अपना शिकार बनाया था इन भेड़ियों ने। और आपको बता दें कि ऑपरेशन भेड़िए को बड़ी सफलता मिली है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी और आखिरकार अब देखिए सफलता मिलती हुई वन विभाग को, और अब तक 4 भेड़ियों को पिंजरे में कैद कर चुके हैं वन विभाग के कर्मचारी। तो देखिए भेड़िए को यहां पर पकड़ा गया है, 9 लोगों को शिकार बना चुके हैं भेड़िए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी न्यूज वन इंडिया आपको दिखा रहा है, जहां पर बता दें कि ऑपरेशन भेड़िया को लेकर एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो एक और भेड़िए को यहां पर पकड़ा गया है, बहराइच की ये तस्वीरें, जहां पर आपको बता दें कि ऑपरेशन भेड़िए को मिली है बड़ी सफलता। तो भेड़िए को पकड़ने के लिए यहां पर ऑपरेशन भेड़िया चलाया जा रहा है और इसी के तहत अब तक 4 भेड़िए को पकड़े जा चुके हैं ये, और अब तक आपको बता दें कि 4th भेड़िया भी पकड़ा गया, यानी कि एक और भेड़िया इस दौरान पिंजरे में कैद हुआ है। आपको बता दें कि 35 गांव यहां पर डर के साए में जी रहे थे और अब तक 8 बच्चों सहित एक महिला को शिकार भी बनाया है इन भेड़ियों ने, और घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं ग्रामीण। और प्रशासन की तरफ से भी कहा गया कि आखिरकार जब भी घर से बाहर निकले तो इस दौरान समूह बनाकर निकले। और आपको बता दें कि अब तक 9 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं ये भेड़िया, और इसी को लेकर गांव में दहशत का माहौल है। ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही थी और 200 लोगों की टीम यहां पर लगाई गई वन विभाग की और इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए। ऐसे में भेड़िए को पकड़ने के लिए ऑपरेशन भेड़िया भी चलाया जा रहा, और इस अभियान के तहत आपको बता दें कि इस ऑपरेशन के तहत 4 भेड़िए अभी तक पकड़े गए हैं। तो एक और भेड़िया गिरफ्त में आया है। तो बहराइच से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वन विभाग की टीम ने पकड़ा है 4th भेड़िया। तो वन विभाग के लगाए जाल में फंसा है ये भेड़िया और अब तक 4 भेड़िए को यहां पर पकड़ा जा चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सैयद मसूद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सैयद मसूद, अगर बात करें, क्योंकि आदमखोर भेड़ियों की वजह से लोग डर के साए में जी रहे थे, ऐसे में विधायक खुद बाहर निकले और लोगों को यहां पर उनके साथ में चलते हुए नजर आए, ऐसे में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है वन विभाग को, यानी कि अब तक 4 भेड़ियों को पिंजरे में कैद किया जा चुका है। जी, निश्चित तौर पर बीती रात में एक जाल में और जो है भेड़िया पकड़ा गया है, उसको काफी कड़ी सुरक्षा में पिंजरे में रख करके लाया जा रहा है, लोगों से उसको दूर रखा गया है। ये सब प्रयास मंत्री जी के जब चौखट तक ये बात पहुंची है, इसके बाद प्रशासनिक अमला प्रकट में आया है और इसके बाद प्रयास हुए है, विधायक निरंतर प्रयास कर रहे थे। इसके बावजूद भी वन विभाग के 4 जिलों के डीएफओ बाराबंकी, श्रावस्ती, बहराइच, ततनिया घाट, यहाँ तक के गोंडा के डीएफओ को भी लगाया गया था, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली थी। लेकिन जब ये मामला मुख्यमंत्री की चौखट पर पहुंचा तो कड़े निर्देश के बाद सरकारी अमले की नींद टूट गई और उसने रात भर झांक करके एक अभी भेड़ियों को पकड़ा है, जबकि प्रशासन की माने तो अभी 2 भेड़िए और बचे हुए हैं। हालांकि आमतौर पर ये जो विशेषज्ञ ये मानते हैं कि
जो भेड़िया होता है, मैनेजर हो जाता है, जो आदमखोर हो जाता है, नरभक्षी हो जाता है, वो भेड़िया सिंगल चलता है। ऐसी स्थिति में अब ये अगर हमले रुकते हैं तब तो माना जा सकता है कि वही आदमखोर भेड़िया है जो जो पकड़ में आया है, लेकिन अभी जो पकड़ा गया है इसके बाद अगर हमले रुकते हैं तो निश्चित तौर पर ये बड़ी सफलता मानी जाएगी। अब देखना ये होगा कि ये हमले थमते हैं या अभी दो और पकड़े जाने, जो प्रशासनिक आंकड़ों में है कि दो और बचे हुए हैं वो पकड़े जाते हैं, कब तक पकड़े जाते हैं अब ये देखना होगा। हालांकि सरकारी हमला पूरी तरह से लगा हुआ है, कल से पीएसी की दो बटालियन भी उस क्षेत्र में लगाई गई है। इसका ये जो आदमखोर भेड़िए हैं, अभी तक ये 35 गांव को अपना शिकार बनाते थे, कल तक के ये 90 गांव को, अपने 90 गांव जो पूर्वे है उसको अपना शिकार बनाते हैं, वहां तक के वो भागकर हमला कर रहे हैं। इसके अनुमान लगाया जा रहा है कि भेड़िए जो है वो झुंड में चलते हैं और उनकी तादाद काफी है। तो हालांकि अब प्रशासन दो तीन और मान रहा था, एक पकड़ लिया है और दो के और पकड़े जाने के लिए अभी प्रयास जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सईद मसूद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ऑपरेशन भेड़िया को सफलता हाथ लगी, जहां पर एक और भेड़िया गिरफ्त में आया है।